आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। परिजनों ने जेल प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कड़ी मशक्कत के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने मामला को सुलझाया। परिजन हुए सौ रिसीव करने के लिए राजी। केतार से हमारे संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। केतार गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के ताली गांव निवासी 65 वर्षीय विचाराधीन कैदी रघुनी साह के सोमवार को सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। मंगलवार को सौ लेकर एम्बुलेंस पैती गांव ताली पहुंचा, तब परिजनों ने सौ उतारने से साफ इनकार कर दिया। पूरी रात मृतक कैदी का सौ दरवाजे पर खड़ी एम्बुलेंस पर 22 घंटे तक पड़ा रहा, पर परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। बुधवार को करीब 10:30 बजे केतार बीडीओ नीतीश भास्कर, भोनातपुर बीडीओ रविंद्र कुमार, केतार थाना प्रभारी राजबल्लभ कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर रामसी महतो, डीएसपी दिलीप खलको ने मृतक के घर पहुंचकर मृतक के परिजनों से बात की। चार घंटे तक चल रहे कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाने का प्रयास किया, परंतु मृतक के पुत्र कुंडल साह ने अपने पिता की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच व 20 लाख रुपए की मुआवजा के साथ एक सदस्य को नौकरी का लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। सभी अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से बात करने में असफल रहे। उपायुक्त को मृतक के प्रत्येक गांव आकर उनकी मांगों को लिखित आश्वासन देने की मांग पर अड़े रहे। अनुमंडल पदाधिकारी जियाउल हक ने उपायुक्त के आदेश पर मृतक के घर पहुंचकर मृतक के परिजनों से बात कर मामला को सुलझाने का काफी समय तक प्रयास किया। आखिर में अनुमंडल पदाधिकारी जियाउल हक ने अपने स्तर से परिजनों को समझाते हुए 20,000 रुपए का नगद चेक एवं पारिवारिक लाभ के साथ विधवा पेंशन राशन दिलाने की बात कही। तभी परिजनों ने आपदा विभाग से मिलने वाला राशि मुहैया कराने की मांग की। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने आपदा विभाग से मिलने वाला 4 लाख रुपए दिलाने में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर जिला परिषद सदस्य ज्वाला प्रसाद, भाजपा के मंडल अध्यक्ष कनाई प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि विक्रमा सिंह, मुखिया प्रतिनिधि ब्रह्मदेव कुमार, शिवबरन साह, मुंगा साह प्रसाद, मनोज फौजी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। क्या नाम है? नंदनलाल कुमार साह। आप रघुनी साह के पुत्र हुए? जी हाँ, पुत्र हैं। छोटे पुत्र हैं? हाँ छोटे पुत्र हैं। जो अभी 24 घंटा से लगातार आप लोग सौ लेने के अति में नहीं थे, तो क्या बात बनी? यही बात बनी, 20,000 का चेक मिला है। अच्छा, और जो आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है। तो आप लोगों का तो मांग था कि 20 लाख और दो नौकरी, वो नहीं कार्रवाई करने की। आप लोग मान गए ना? सहमति बनी ना आप लोग को? हम लोग सहमति बनी। सर चलो सर, विचाराधीन कैदी रघुनी साहू का पिछले लगभग 22 घंटों से इसके दरवाजे पर सौ के साथ एम्बुलेंस खड़ा है, इसमें आपका क्या कहना है? जिला प्रशासन से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इनके परिवार के बीच में सारी चीज़ों की बात हो गई है। मसलन की जो शोक संबद्ध परिवार है, इनको कैसे हम लोग उनको अधिक से अधिक लाभ दे सकते हैं, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयास करेगी। और जो पीड़ित परिवार है उनको अधिक से अधिक जो भी नियमानुसार विधि सम्मत लाभ देने का होगा वो हम लोग करेंगे। सर क्या फिलहाल अभी हम लोग पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ दे दिया हूँ, और अगर उनके परिवार में राशन कार्ड नहीं है या फिर विधवा पेंशन के योग्य हैं तो उनको इससे भी उनको सहायता पहुंचाई जाएगी। और इस पूरे चीज़ों पे उपायुक्त महोदय से उनके आवेदन के आलोक में हम लोग उपायुक्त महोदय से विचार विमर्श करेंगे। सर लगभग परिजन का मांग था कि 20 लाख रुपये और दो परिवार को नौकरी दिया जाए, इसमें आपका क्या कहना है? सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी होगा हम लोग इसमें उचित कार्रवाई करेंगे, और हम लोग इसके परिवार के प्रति हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। प्रशासन से आप लोग को जो मांग चल रहा था पिछले 22 घंटों से, इसमें जिला प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला? 20,000 रुपये का चेक मिला और आगे के कार्रवाई, जांच की कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, जो यथावत मांग थी आपकी 20 लाख रुपए और नौकरी, एक नौकरी वो सब नहीं मिला, नहीं मिला। जी तो आप लोग मान गए ना इस बात को लेकर के? जी बोले कि हम सहमति बन गई ना? जी सहमति बन गया, बोले कि जांच करने के क्रम में जो पैसा और बढ़ेगा वो मिलेगा, आपको जितना हमसे बनेगा हम सहयोग करेंगे। जी आपका परिचय? मेरा नाम कुंडल कुमार। आप के हैं? उनके हम उनके लड़के हैं, बड़े पुत्र हैं।